कहीं लेने के देने पड़ गए हो, और फिर ये आवश्यक भी तो नहीं कि सदा त्रिदेव परीक्षा देने पर उत्तीर्ण ही हो जाए। नारद, तुम हमारी चिंता कम करने की अपेक्षा उसे बढ़ा ही रहे हो। माता, यदि मेरे वश में होता तो मैं आप तीनों की चिंता कम क्यों करता? नारायण नारायण, अर्थात जड़ मूल से मिटा ही न देता। पर क्या करूं माता, विवश हूँ। नारद, ऐसा लगता है कि तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो। छिपने वाले तो छिप ही गए माता, मैं क्या छिपाऊंगा। नारद, तुम तो त्रिकालदर्शी हो, दिव्य दृष्टि से देखकर बताओ कि इस समय त्रिदेव कहाँ है। दिव्य दृष्टि और दिव्य शक्ति से तो आप तीनों भी संपन्न है माता, फिर आप ही स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके देख ले कि आपके पति कहाँ हैं, कैसी स्थिति में हैं और क्या कर रहे हैं। अब तो हमें यही करना होगा, हम व्यर्थ ही उद्विग्न हो रही हैं। चलो देखते हैं। क्या तुम दोनों ने वही देखा जो मैंने देखा? यही प्रश्न मैं करने वाली थी। यही प्रश्न आप दोनों से मैं भी कर रही थी। क्या प्रश्न है आप तीनों देवियों का? तनिक मैं भी तो सुनूं। नारद, सब कुछ जानते हुए भी तुम अंधे के बनते हो। क्या तुम नहीं जानते कि अत्रि ऋषि के आश्रम में अनुसुईया के पालने में त्रिदेव शिशु बनकर पै पै कर रहे हैं? पै पै नहीं, ऐ ऐ कर रहे हैं। पै पै भी नहीं और ऐ ऐ भी नहीं, उआ उआ करके रो रहे हैं। नारायण नारायण, सभी ने अपने अपने पतियों को शिशु रूप में रोता देख सुन लिया। अच्छा हुआ आप तीनों ने उन तीनों को देख लिया, आपकी चिंता दूर हो गई ना। अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं चला। रुक जाओ नारद, हमारी चिंता अभी दूर नहीं हुई है, बढ़ गई है। अभी तो केवल इतना ही ज्ञात हुआ है कि वे अनसुया के पालने में है। अब और क्या ज्ञात करना शेष है माता। नारद, कभी कभी तुम्हारे प्रश्न बाण की नोक से भी अधिक नोकीले होते हैं। उन तीनों को वहाँ से कैसे मुक्त करें, यह ज्ञात करना तो शेष ही है। नारद, तुम्हें हमारे साथ तुरंत अत्रि आश्रम चलना होगा। मैं? नहीं 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 नहीं, मैं क्या करूँगा वहाँ आकर, शिशुओं और माताओं के बीच नारद का क्या काम है। ये गुत्थी तो आप तीनों की उलझाई हुई है, अब इस गुत्थी को आप तीनों ही सुलझाएं। मुझे आज्ञा दे। नारायण नारायण। हम नारद का आश्रय क्यों लें? क्यों ना हम स्वयं ही अत्रि आश्रम चलें? यही करना होगा, आओ चलें। देवी अनुसुईया, ये शिशु किसके हैं? कहां से आए, यहां कैसे आए? मेरी तपस्या फलित हो गई स्वामी, ये तीनों हमारे पुत्र हैं। ऋषिवर अत्रि। स्वामी, आप इस दशा में, ये क्या हो गया प्रभु? संपूर्ण जगत को पालने वाला स्वयं पालने में? ये कैसे हुआ ब्रह्मदेव? ये तुमने क्या किया अनसुईया? क्यों किया तुमने ऐसा? त्रिदेव को इस स्थिति तक पहुंचाने में तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ? अर्थात आप इस सत्य को स्वीकार करती हैं कि मैं निसंकोच होकर ये सब कर सकती हूँ? तो विचार करें कि संकोच करते हुए मैं जो करती उसका रूप स्वरूप क्या होता। अभिप्राय क्या है तुम्हारा?
अभिप्राय तो कभी कुछ भी नहीं था मेरा, अभिप्राय तो आप तीनों देवियों का था, जिसे लेकर आपके पतिगण मेरी परीक्षा लेने आए थे। आश्चर्य, अनसुया ने त्रिदेव को शिशु बनाकर पालने में कैसे सुला दिया? उससे भी बड़ा आश्चर्य तो ये है कि त्रिदेव शिशु बन कैसे गए? वे स्वयं शिशु बनना चाहते थे, ऐसी ही उनकी मांग थी। मैंने तो मात्र उनकी मांग को उनकी आज्ञा समझकर पूर्ण किया है। अनुसुईया, जगत में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं और ना ही भविष्य में ऐसा होना संभव होगा कि त्रिदेव को कोई नारी अपने सतीत्व के बल पर शिशु बनाकर पालने में सुला दे। हां अनुसुईया, हम तुम्हारी पति भक्ति और सतीत्व की श्रेष्ठता को स्वीकार करती हैं। अप्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता भी क्या है? हम तुम्हारे सतीत्व की श्रेष्ठता को और महानता को प्रणाम करते हैं। अब हमें हमारे पति लौटा दो। आज हमसे अधिक सौभाग्यशाली इस जगत में कौन होगा स्वामी, जिनकी कुटिया में तीन महादेवियां एक साथ पधारी हैं। केवल तीन महादेवियां? इस पालने में सोए हुए त्रिदेव को क्यों भूल गई देवी अनुसुईया? ऋषिवर, कृपा कर अनुसुईया से कहें कि वे त्रिदेव को उनके मूल रूप में प्रकट करें। क्या त्रिदेव स्वयं ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, अनुसुईया की सतीत्व की शक्ति ने उन्हें शिशु बनाया है, अब वही शक्ति उन्हें मूल रूप दे सकती है। त्रिदेव कभी भी अपने भक्तों की शक्ति के विरुद्ध अपनी शक्ति का उपयोग करके उनको अपमानित नहीं करते, कारण कि भक्तों के पास भी त्रिदेव की ही शक्ति होती है। यदि त्रिदेव को अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही होता तो वे शिशु बनते ही क्यों? अनुसुईया के सतीत्व की श्रेष्ठता का सम्मान का ध्यान रखकर अब वे अपने मूल रूप में स्वयं नहीं आएंगे। जब उन्होंने अनुसुईया के सतीत्व की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है तो उनकी इच्छा का अवश्य सम्मान करेंगी। अतः ऋषिवर, आप ही अनुसुईया से कहें कि वे त्रिदेव को अपने मूल रूप में प्रकट करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की देवी। यदि तुम इन्हें शिशु बनाकर रखोगी तो संपूर्ण जगत की व्यवस्था और स्थिति अस्त व्यस्त हो जाएगी। त्रिदेव को उनका मूल रूप प्रदान करो देवी अनुसुईया। आपकी आज्ञा शिरोधार्य स्वामी। जय हो। महासती अनुसुईया, तुमने अपने तेजस्वी सतीत्व के प्रभाव से हम त्रिदेवों के मातृपद को प्राप्त किया है। हम तुम्हें माता के रूप में प्रणाम करते हैं। मेरा और आप तीनों का माता और पुत्र का संबंध बन ही गया है,
तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप त्रिदेव एक ही रूप में अत्रि पुत्र के रूप में स्थापित हो। माता, आपकी हार्दिक इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। हम त्रिदेव एक रूप लेकर दत्तात्रेय का अवतार धारण करेंगे जो अत्रि पुत्र कहलाएगा। और यह अत्रि पुत्र दत्तात्रेय पालन करता श्री हरि विष्णु के अवतार स्वरूप सारे जगत में प्रसिद्ध होगा। धारी दत्तात्रेय, आप हम त्रिदेवों की सम्मिलित शक्ति के धारक होते हुए भी सौम्य, शालीन, परोपकारी एवं शांत प्रकृति के हैं, और भगवान दत्तात्रेय एवं विष्णु अवतार के रूप में आपकी कीर्ति दिग्दिगंत तक व्याप्त रहेगी। हे अत्रि अनुसुईया पुत्र, आप संसार में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सद्भावना का प्रकाश प्रकाशित करेंगे। हे संत वेशधारी दत्तात्रेय, आप जगत में अवधूत के वैराग्य प्रदर्शक नाम से प्रसिद्ध होंगे। जो भक्त सच्चे मन से आपकी पूजा आराधना व नाम स्मरण करेगा वो हम तीनों को प्राप्त होगा। साथ ही वो त्रिदेवों की कृपा का अधिकारी होगा। हे श्री हरि विष्णु अवतार दत्तात्रेय, जो भी भक्त आपका नाम स्मरण करेगा वो सदा धन वैभव और संपन्नता से पूर्ण रहेगा। इतना ही नहीं, आपकी भक्ति करने वाले भक्त का ज्ञान चमत्कार पूर्ण होगा। ज्ञान व विद्या में वो सदा अग्रणीय रहेगा। जगत में भक्ति और वैराग्य की धारा आपके नाम से ही प्रवाहित होने लगेगी। त्रिदेव और त्रिदेवियों ने अपनी कृपा का जो प्रसाद दत्तात्रेय को प्रदान किया है वो अभूतपूर्व है। जगत में ऐसी उपलब्धियां सरलता से प्राप्त नहीं होती। तीनों लोकों की संपदा से अधिक प्राप्त किया है दत्तात्रेय ने। त्रिदेव और त्रिदेवियों ने शेष कुछ भी नहीं छोड़ा। जगत में जो श्रेष्ठ है वो सब प्रदान किया है दत्तात्रेय को। तुम धन्य हो दत्तात्रेय। प्रणाम माता, प्रणाम पिता श्रेष्ठ। मैं दत्तात्रेय इस जगत को धर्म का संदेश सुनाकर प्राणियों को कल्याण मार्ग के लिए प्रेरित करूंगा। माता, आप उदास न हो। हमने ही स्वप्न में आकर आपको पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या का उपाय सुझाया था, इसलिए हम अपने अंश से आपको ऐसा रुद्र अवतारी पुत्र प्रदान करेंगे जो सदा आपकी सेवा में रहेगा। रुद्र अवतारी शिवांशी प्रकट हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है माता? पुत्र, सदा मेरे साथ रहो और प्राणियों के कल्याण कार्य में सदा मेरी सहायता करो। अवश्य माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर साथ ही साथ उन दुष्कर्मियों को दंड भी अवश्य दूंगा माता, जो नीति नियम और धर्म का पालन नहीं करेंगे और हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। देवेश्वर, आपका ये रुद्रावतार तो जन्म से ही रौद्र रूप धारण करने लगा है। इसे कहें कि अपने क्रोध पर अंकुश रखे। रुद्रावतारी शिवांशी, यदि तुमने अपने क्रोध पर संयम नहीं रखा तो जन साधारण तुम्हें शिवांशी न कहकर दुर्वासा के नाम से पुकारेगा। जन साधारण मुझे क्या पुकारेंगे इसकी मुझे तनिक भी चिंता नहीं है प्रभु। मैं तो मात्र इतना चाहता हूँ कि वे दुष्कर्मी मुझसे भयभीत हो ताकि वे पाप कर्मों से बचे रहे। स्वामी, आपने स्वयं मुझसे कहा था कि आप ऐसे रुद्रावतार को प्रकट करना चाहते हैं जिसके भय से
लोग अनाचार तथा अत्याचार करने से बचे रहें। अब शिवांश को अत्रि अनुसुईया के पुत्र के रूप में प्रकट करके वह कथन सत्य कर दिखाया। पुत्र, तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अपने स्वभाव के कारण तुम दुर्वासा के नाम से ही प्रसिद्ध होगे। आपके वचन सत्य सिद्ध होंगे माता पार्वती। अब मुझे आज्ञा दे, मैं देहाग्नि से तप रहा हूँ, शीघ्र स्नान करके शांत होना चाहता हूँ। माता अनसुईया, मैं स्नान करके लौटूंगा, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था अवश्य करें। अब आप हमें आज्ञा दीजिए। आनंदपूर्ण, अद्भुत, सौभाग्यपूर्ण, मेरे तीनों आराध्य महादेवता और महादेवियां एक साथ गमन कर रहे हैं, फिर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? ऐसा सौभाग्यपूर्ण सुअवसर मुझे कब मिलेगा? कृपा निधान, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे। नारायण, तुम तीनों लोक में कहीं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, क्यों? पुत्र अथवा भक्त से उसके पिता अथवा आराध्य का कभी पीछा छूटा है? यदि छूट जाए तो पुत्र और भक्त की क्या दुर्दशा होती है, ये आप भली भांति जानते हैं परमपिता। नारद, ब्रह्मदेव के प्रश्न का उत्तर तो तुमने दे दिया, अब हमारे प्रश्न का भी उत्तर दो। भोलेनाथ, आपका क्या प्रश्न है? क्या तुमने अत्रि आश्रम आकर हमारे बाल रूप के दर्शन नहीं किए? और क्या अनुसुईया के पुत्रों के दर्शन करना आपका उद्देश्य नहीं था नारद? नारायण नारायण, मैं तो युग युगों से तीनों लोक में तीनों महादेवताओं के दर्शन भांति भांति प्रकार से करता आ रहा हूँ, और फिर दर्शन के विषय में मुझसे अधिक सौभाग्यशाली प्राणी इस जगत में कौन है? ये हमारे प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं है नारद। नारायण नारायण, देवेश्वर, ये आपके प्रश्न का 3/4 उत्तर है, और 1/4 शेष उत्तर ये है कि जब मैंने आप तीनों के दर्शन करने का कीर्तिमान स्थापित किया है, तो फिर आपके शिशु रूप के दर्शन करने का अवसर मैं भला अपने हाथों से कैसे जाने देता? तो क्या तुमने तीनों देवियों को हमारे शिशु रूप के विषय में सूचित किया है? कैसे करता परमपिता? देवी अनसुईया और आपके क्रियाकलाप और आपकी मांग के बीच यदि मैं आता तो मेरी क्या गति होती? तीनों माताएं तो यही समझती कि आप तीनों के बालक बन जाने में मेरा ही सहयोग था। नारद, अब अधिक बातें न बनाओ, सत्य तो यही है, इन घटनाओं के पीछे अदृश्य रूप से तुम ही थे। ना। और इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा कि तुम हम सभी के साथ नारद लीला करने से चूके नहीं? हम पर अपनी लीला का प्रयोग करते हुए तुम्हें तनिक भी विचार नहीं आता? नारायण नारायण, मेरी लीला? त्रिदेव के सम्मुख मैं क्या और मेरी लीला क्या? सत्य तो यह है कि आप तीनों देवियों को ये सत्य मान्य ही नहीं था कि सती अनसुईया जगत की सर्वश्रेष्ठ सती है। यही सत्य आप तीनों को मनवाने के लिए परीक्षा के बहाने त्रिदेव ने अपनी लीला का प्रसार किया, और दोष व्यर्थ ही में मेरे सिर पर बढ़ा जा रहा है। माताओं, इस सत्य को आप सदा के लिए समझ कर रखें कि मेरा हर कार्य त्रिदेव के संकेत पर ही होता है, स्वेच्छा से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। श्री हरि विष्णु, अब आप हमें ये बताएं कि भगवान भोलेनाथ ने सती अनसुईया को वरदान में पुत्र रूप में शिवांशी रुद्रावतार को जो प्रदान किया था वो है कौन? सावधान नारद, उस रौद्र रूपधारी दुर्वासा से सावधान रहना, यदि उसका क्रोध जाग गया तो तुम्हारी
कुशल नहीं है। नारायण नारायण, रुद्रावतार दुर्वासा। धीरे धीरे खाओ पुत्र, ऐसी शीघ्रता से भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। माता, भूख की अग्नि को शीघ्र शांत कर देना चाहिए, अन्यथा वो फैल जाती है। माता, ये तो मुझे ज्ञात है कि आपने मुझे भगवान शिव की आराधना तथा तपस्या से प्राप्त किया है, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको तपस्या में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने दृढ़ निश्चय के साथ तपस्या की थी पुत्र, इसलिए कष्ट का तो प्रश्न ही नहीं था। हाँ, उस समय एक बाधा अवश्य आई थी। बाधा? कैसी बाधा माता? स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र ने मेरी तपस्या में बाधा पहुंचाने की चेष्टा की थी। उसने मुझे स्पर्श करने का प्रयत्न किया था। आपकी इस तपस्या में बाधा पहुंचाने वाले इंद्र को अपने इस दुष्कर्म का परिणाम भोगना होगा माता, अवश्य भोगना होगा। रुद्रावतारी शिवांशी अपने रौद्र रूप पर संयम व नियंत्रण नहीं रख सकते थे, अतः भगवान शिव की ये भविष्यवाणी कि जन साधारण उन्हें शिवांशी न कहकर दुर्वासा के नाम से पुकारेंगे सत्य ही सिद्ध हुआ। कारण कि दुर्वासा तनिक सी अनुशासनहीनता व अनीति पर व्यग्र हो उठते थे और क्रोध पर अपना नियंत्रण खोकर स्वयं को सहज सीमाओं में रखने में असमर्थ हो जाते थे। तुम इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो पुत्र, क्या कारण है? माता, इस आश्रम की सीमाओं ने मुझे बांध दिया है। लगता है कि बंधन मेरे स्वभाव को स्वीकार नहीं है माता, यही कारण है कि मैं इतना व्यग्र और व्याकुल हो रहा हूँ। माता, कृपा करके मुझे इस आश्रम से बाहर भ्रमण करने की आज्ञा और सुविधा प्रदान करें। व्यग्रता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है पुत्र, तुम इस व्यग्रता के घेरे से बाहर आओ तथा तनिक वन प्रदेश में घूमाओ, किंतु शीघ्र ही लौट आना। मुझे तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम्हारी चिंता लगी रहती है। आप तनिक भी चिंता न करें माता, मुझ पर भगवान शिव की सदैव कृपा रहती है। व्यग्रता शांत होते ही मैं शीघ्र लौट आऊंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए फूल ले जा रहे हैं। तो तुझे क्या लगता है ये फूल तेरे लिए चुन रहे हैं? संभवतः इसी के लिए चुन रहे होंगे। चल के पूछ लेने में आपत्ति क्या है? पाए लगे महाराज, क्या ये फूल आप भगवान के लिए चुन रहे हैं? तो फूल क्या भक्तों के लिए चुने जाते हैं? फूल तो भगवान के लिए ही चुने जाते हैं ना। क्या भगवान फूलों से प्रसन्न होते हैं? हाँ हाँ, होते हैं प्रसन्न। जिन फूलों से भगवान प्रसन्न होते हैं उन फूलों को चुनते हुए आप क्रोध में आए हैं, तो क्या आप भी भगवान प्रसन्न होंगे? वो भी आपकी भांति आप पर क्रोधित नहीं होंगे इन फूलों को देखकर? नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। है तो कोई ऋषि, परंतु ये नए ऋषि है कौन? इससे पहले तो मैंने इन्हें कभी देखा नहीं। नारायण नारायण, कहीं यही तो रुद्रावतार ऋषि दुर्वासा नहीं? माता पार्वती ने मुझसे कहा था कि ये अत्यंत क्रोधी स्वभाव के ऋषि हैं,
इनसे सावधान रहना नारद। नारायण 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 नारायण। नारद का प्रणाम स्वीकार करे ऋषिवर। प्रणाम। नारद का प्रणाम स्वीकार करे ऋषिवर और अपना समुचित परिचय भी दे। मेरी माता का नाम सती अनसुईया है और पिता का नाम। आपके पिताश्री का नाम अत्रि ऋषि है और यदि मेरा अनुमान सही है तो आप ही रुद्रावतार ऋषि दुर्वासा है। यदि जानते हो तो फिर पूछते क्यों हो? क्यों बार बार मेरा मार्ग अवरुद्ध करते हो? और यदि पूछते ही हो तो संपूर्ण बात सुने बिना बीच में क्यों बोलते हो? ऐसे व्यवहार के पीछे तुम्हारा प्रयोजन क्या है? मेरा प्रयोजन है आपके स्वभाव की उग्रता को विनम्रता में बदलने का। किसने कहा कि मेरा स्वभाव उग्र है? माता पार्वती ने। इसीलिए तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। क्या आप माता पार्वती का कोई संदेश लेकर आए हैं? आपके क्रोधी स्वभाव की सूचना माता पार्वती से प्राप्त होने पर आपके लिए संदेश तो बन ही जाता है ना ऋषिवर। क्या है वो संदेश? आपके हित में है आपके क्रोधी स्वभाव को शांत करने का। परंतु वो संदेश है क्या? सत्य से पूर्ण वो संदेश यही है कि आप काशी तीर्थ जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना से मेरा क्रोध शांत कैसे होगा? वो तो स्वयं रुद्र है, संहारक देवता है। क्रोध के आवेश में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। क्या तुम ये सब नहीं जानते? जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, किंतु संभवतः आप इस सत्य को नहीं जानते कि काशी का दूसरा नाम आनंद कानन है। काशी है भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय क्षेत्र। भगवान भोलेनाथ काशी में सदा आनंद स्वरूप में रहते हैं तथा अपने भक्त जन को शांत करके आनंदित करते हैं। आप स्वयं वहां जाकर इस सत्य का अनुभव करें। किंतु गंगा तट पर बसी काशी तो अत्यंत विस्तार में है। मुझे ऐसा एकांत स्थान बताओ जहां मैं बिना किसी बाधा के शिव का ध्यान करते हुए तपस्या कर सकूं। गंगा नदी के पूर्व दिशा प्रवाह के उत्तर की ओर एक एकांत सरोवर है जिसका नाम कामकुंड है। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने यह कहा है कि कामकुंड के समीप शिवलिंग की स्थापना कर उसकी अखंड आराधना करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। आप कामकुंड के समीप दुर्वेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर उसके सम्मुख बैठकर भगवान भोलेनाथ के ध्यान में मग्न हो जाएं, फिर आप देखें कि भगवान भोलेनाथ क्या चमत्कार दिखाते हैं। प्रणाम ऋषिवर। आनंद कानन काशी नगरी। यही है काशी नगरी। वो रहा कामकुंड। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। Thank you.
चैनल, आपका ध्यान भंग क्यों हो गया स्वामी? रुद्र अवतार दुर्वासा के जप के प्रभाव से ऐसा हुआ है देवी। नारद ने दुर्वासा का क्रोध शांत करने के लिए उन्हें हमारी आराधना का परामर्श दिया था। क्या आपकी आराधना करने से उनका क्रोध शांत हो जाएगा? आप मुस्कुराकर मौन क्यों हो गए स्वामी? हमें तुम्हारे भोलेपन पर विचार आ गया। इतना ज्ञान तो तुम्हें भी है कि क्रोध और आराधना दोनों कभी एक स्थान पर आमने सामने नहीं होते। दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव को शांत करने के लिए आराधना कर रहे हैं, परंतु उनका क्रोधी स्वभाव आराधना से शांत होता है अथवा नहीं, ये जानने के लिए तो प्रतीक्षा करनी होगी। साथ ही हमें उनके धैर्य की परीक्षा भी लेनी होगी। दुर्वासा ऋषि, ये कठोर तपस्या कहीं स्वर्ग प्राप्ति के प्रयत्न में तो नहीं कर रहे हैं? देवराज, ज्ञात हुआ है कि ये ऋषि अत्रि और सती अनसुईया के पुत्र हैं, और ये भी सुना गया है कि इनका स्वभाव अति उग्र है। नारायण नारायण। देवराज, ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे हैं अपने क्रोधी स्वभाव को शांत करने के लिए, ना कि आपके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए। और आप उन्हें छेड़ने का प्रयत्न कदापि ना करें, अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकते हैं। नारायण नारायण। कुछ प्राप्ति नहीं हुई, कुछ भी नहीं। मेरी समस्त तपस्या एवं आराधना व्यर्थ सिद्ध हुई, व्यर्थ। मैं व्यर्थ नारद के बहकावे में आ गया। उसने मुझे मूर्ख बनाया है। यहां न तो आनंद है न शांति है। ये काशी मात्र निराशा की भूमि है, निराशा। मैं इसी क्षण इसे श्राप देकर इसकी महिमा को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। वह सिद्धेश्वर शिवलिंग, रुद्रावतार दुर्वासा, काशी को शापित करने की शक्ति किसी में नहीं है। आनंद नगरी काशी को कोई भी शाप छू नहीं सकता, प्रलय भी इसे डुबो नहीं सकता। अतः तुम अपने क्रोध को शांत कर हमारे साथ काशी में रहने का आनंद बना। मुझे क्षमा करें शिव शंकर, आप ही के रुद्र अंश से उत्पन्न मैं अपने क्रोध को वश में नहीं रख सकता और सदा श्राप देने के लिए उद्यत हो जाता हूं। भगवान दुर्वासा, तुम्हारा नाम शाप से ही सुशोभित होता है, परंतु शाप तभी दो जब कोई प्राणी विपरीत आचरण करे अथवा सत्य असत्य के विवेक को भूल जाए। तो अब मेरी तपस्या सफल हुई ना भगवान? हमारे प्रकट होने का यही अर्थ है। तुम्हारे द्वारा स्थापित दुर्वासेश्वर शिवलिंग अब कामेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो व्यक्ति कामकुंड में स्नान कर कामेश्वर की आराधना करेगा, उसकी सभी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आपने मेरी तपस्या का प्रतिदान देकर मुझे उपकृत किया है भगवान, मैं धन्य हुआ। बात है देवी, तुम उदास क्यों हो? इसका भी कारण है स्वामी। दुर्वासा अपनी व्यग्रता को शांत करने के लिए भ्रमण करने गया था। बरसों बीत गए किंतु वो लौट कर नहीं आया।
मुझे कुछ चिंता हो रही है, न जाने वो कहाँ होगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माता को चिंता करने की क्या आवश्यकता है देवी? तुम दुर्वासा को बुलाने की इच्छा मात्र करोगी तो वो तुरंत दौड़ा चला आएगा। किंतु ये कैसे ज्ञात होगा कि इस समय वो कहाँ होगा? क्यों भूल जाती हो देवी, तुम्हें शिवलिंग में तीनों लोक देखने की सिद्धि प्राप्त है। तुम शिवलिंग में देखकर दुर्वासा को पुकारो, वो तुम्हें तुरंत दिखाई देगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुर्वासा, पुत्र दुर्वासा, कहाँ हो तुम? ओम नमो भगवते रुद्राय। पुत्र दुर्वासा, कहाँ हो तुम? माता, तुम शीघ्र आश्रम लौटाओ। पुत्र, मैं तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हूँ। माता की आज्ञा शिरोधार्य, मैं स्वयं आप लोगों से मिलने के लिए व्याकुल हूँ। माता, व्याकुल दुर्वासा माता पिता के दर्शनार्थ प्रस्थान करते हैं। जिस प्रकार ऋषि दुर्वासा ने महेश्वर शिव के दर्शन प्राप्त कर अपना जीवन धन्य किया, उसी प्रकार ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के निमित्त महर्षि विश्वामित्र भी कठोर तपस्या कर रहे थे, जिससे सर्वप्रथम देवराज इंद्र प्रभावित होते हैं। वे देवराज जिन्हें सदा ही ये चिंता पीड़ित करती है कि कहीं कोई दानव मानव अथवा ऋषि अपने तप के बल से उनके सिंहासन का हरण न कर ले। स्वर्ग की अप्सरा मेनका के साथ आकाश भ्रमण करते हुए विश्वामित्र को तपस्यारत देखकर वे विचलित हो उठे। विश्वामित्र, यह कठोर तपस्या स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहे हैं मेनका। यदि इनका उद्देश्य पूर्ण हो गया तो हमारा क्या होगा? तुम मेरा अभिप्राय समझ रही हो ना मेनका? मुझे क्या करना होगा देवराज? मेनका, विश्वामित्र को अपने रूप लावण्य के माया जाल में फंसाना होगा। अपने सुंदर हाव भाव से नृत्य दिखाकर उसे मुग्ध एवं मोहित करना होगा। इस प्रकार विश्वामित्र की तपस्या भंग करनी। आप निश्चिंत रहे देवराज, मुझे अपने सन्मुख और समीप पाकर विश्वामित्र अधिक समय तक तपस्या नहीं कर पाएंगे। प्रणाम रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा, प्रणाम। आपकी कठोर तपस्या को कोटि कोटि प्रणाम और आपकी भक्ति और निष्ठा को अनेक अनेक प्रणाम। मैंने आपका प्रणाम स्वीकार किया, अब मुझे जाने दे, मुझे माता ने पुकारा है। अवश्य अवश्य, माता की पुकार सुनने पर जगत के सभी कार्य त्याग कर पुत्र को जाना ही चाहिए। किंतु महर्षि, मैं आपके और आपकी माता के मध्य बाधा नहीं बनना चाहता। महर्षि, आप मेरी बात सुने। महर्षि, तो अब आपका अभिप्राय क्या है? मात्र देवराज इंद्र के षड्यंत्र की सूचना देना, इसी अभिप्राय से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? जिस इंद्र ने आपकी माता और आपके साथ दुर्व्यवहार किया, उसी इंद्र के विषय में और उसके षड्यंत्र के विषय में आपको सूचित करना, ये मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। किंतु इंद्र ने किसके साथ षड्यंत्र किया है? राजश्री, विश्वामित्र के साथ, जो ब्रह्मर्षि बनने के लिए आप ही के समान कठोर तपस्या कर रहे हैं। किंतु देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या खंडित करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा मेनका को वहां भेजा है। एक तपस्वी को दुष्ट इंद्र के षड्यंत्र से सावधान करना हमारा कर्तव्य है। हम इसी क्षण वहां जाएंगे। नारायण नारायण। सुंदरी ठहर जा, षड्यंत्रकारी इंद्र का षड्यंत्र हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे। अप्सरा मेनका, एक तपस्वी की तपस्या खंडित करना महापाप है। ऋषिवर,
सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तत्पश्चात मैं आपसे विनती करूंगी कि आप क्रोध ना करें। क्रोध न करूं? क्यों ना करूं क्रोध? तुम अकारण महापाप करो और मैं कारण होने पर क्रोध भी न करूं। क्यों न करूं क्रोध? ऋषिवर शांत हो जाइए। मेनका, इस दिव्य और शांत वातावरण को अशांत करने तुम आई हो और मुझे शांत रखना चाहती हो। ऋषिवर, मैं स्वेच्छा से नहीं आई हूँ, भेजी गई हूँ। मैं तो अपने स्वामी देवराज इंद्र के आदेश का पालन कर रही हूँ। अनर्थकारी है उसका आदेश और विनाशकारी है तुम्हारा उसे पालन करना। मेनका, अब हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम इसी क्षण स्वर्ग लौट जाओ, अन्यथा हमारे क्रोध से उत्पन्न श्राप और श्राप से उत्पन्न कष्ट तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऋषिवर, आपके शाप से भयभीत होकर मैं अपने स्वामी देवराज इंद्र के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। मैं अपना कर्तव्य पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेनका, तुम्हें अपनी दुर्दशा की चिंता नहीं, इंद्र के आदेश की चिंता अधिक है। स्वाभाविक है ऋषिवर, वे हमारे स्वामी जो है। तो क्या स्वामी का आदेश मानकर तू तपस्वियों की तपस्या को भंग करेगी? किसका क्या रंग होता है, क्या भंग होता है, ये सोचना मेरा कार्य नहीं है ऋषिवर। मुझे केवल अपने स्वामी देवराज की इच्छा पूर्ण करनी है। मेनका, अपने स्वामी इंद्र की ही भांति तू भी बाहर से नख से लेकर शिख तक सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु भीतर से तुम दोनों ही पाप के भंडार हो। तू एक स्त्री है मेनका, इसलिए हम तुझे भस्म तो नहीं करेंगे, किंतु हम तुझे श्राप देते हैं कि जिस विश्वामित्र को तू भ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रही है, उसी के कारण तू स्वर्ग से भ्रष्ट होकर एक मानवी का जीवन व्यतीत करेगी। तू तो तू, तेरी संतान भी हमारे श्राप की छाया से मुक्त नहीं हो पाएगी। मेनका, इंद्र के षड्यंत्र में सम्मिलित होने का परिणाम तुझे बार बार भुगतना पड़ेगा, बार बार भुगतना पड़ेगा। क्रोधित दुर्वासा से शापित होने के उपरांत भी देवराज इंद्र द्वारा भेजी गई मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का अपना हठ नहीं छोड़ा। कारण कि मेनका के लिए देवराज की आज्ञा की अवहेलना करना संभव भी नहीं था। मेनका के लिए दुर्वासा के शाप की पीड़ा से अधिक इंद्र की आज्ञा और अपने कर्तव्य का महत्व अधिक था। अतः वह विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गई।
मनमोहक मेनका, अब तुम्हें मेरी जीवन संगिनी बनकर रहना होगा। अब मैं तुम्हें लौटकर स्वर्ग नहीं जाने दूंगा। चिंता का कोई कारण नहीं है। तुमने अपने पुत्र का आवाहन किया है, वो यथा समय यहाँ आ पहुंचेगा। स्वामी, मुझे चिंता दुर्वासा के यहाँ पहुंचने की नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मार्ग में कहीं किसी अनुचित घटना को देखकर उसका स्वभावगत क्रोध ना जाग जाए। मुझे सदा उसके क्रोध की आशंका बनी रहती है। प्रणाम माता, प्रणाम पिता श्रेष्ठ। सर्व कुशल मंगल रहना पुत्र। जिनके साथ माता पिता का आशीर्वाद हो, अमंगल उनके समीप आने का साहस ही नहीं करता पिता श्रेष्ठ। उत्तम। अब ये बताओ, लौटते समय में कहीं क्रोध करने की आवश्यकता तो नहीं हुई ना? तुम्हारे पिता ये जानना चाहते हैं दुर्वासा, कि मार्ग में तुमने किसी को श्राप तो नहीं दिया? माता, आप इस सत्य से भलीभांति परिचित हैं कि अन्याय, अनीति और अनुचित कार्य मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। कुछ भी अनुचित होता देख
मेरे भीतर का ज्वालामुखी जाग उठता है। माता, उस दुष्ट इंद्र ने राजर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को उसके पास भेजा। ये देखकर मेरी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी, मेरे रोम रोम से ज्वालाएं निकलने लगी। माता, अब ऐसी स्थिति में मैं भला चुप कैसे रह सकता था, इसलिए मैंने मेनका को श्राप दे डाला। इंद्र के दुष्कर्म कभी समाप्त नहीं होंगे। कोई भी न्यायप्रिय नीतिप्रिय प्राणी इंद्र के दुष्कर्मों व अनुचित कार्यों को देखकर मौन कैसे रह सकता है? ये निर्विवाद सत्य है कि न्याय और नीतिप्रिय प्राणी अनुचित कार्य व दुष्कर्म को देखकर मौन नहीं रह सकता। देवर्षि नारद इस जगत के ऐसे ही महान प्राणी हैं, जो सभी प्रकार की सूचनाओं को जुटाने के कार्य में सक्षम है। सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से सदा तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद का विष्णु लोक में पदार्पण होता है। नारायण नारायण। प्रणाम माता। नारद, तुम सदा नारायण का ही जाप करते हो, नारायणी का तो कभी नाम ही नहीं लेते। माता, नारायण में ही नारायणी समाहित है। एक का नाम स्मरण करने से दोनों की प्रतीति हो जाती है। अन्य कोई आरोप तो नहीं है ना मुझ पर माता? है नारद, अनेक आरोप है। तुम यहाँ जब भी आते हो स्वार्थवश ही आते हो, बिना स्वार्थ के तो तुम विष्णु लोक में प्रवेश ही नहीं करते। नारायण नारायण, ऐसा तो नहीं है माता? ऐसा ही है। तरीक बताओ तो, पिछली बार तुम यहाँ कब आए थे और अब यहाँ कितने दिनों बाद आए हो? माता, मैं यहाँ स्वार्थवश आता हूँ, ये आपका आरोप निराधार है, ऐसा कहकर मैं दृष्टता नहीं करूंगा। हाँ, केवल इतना निवेदन मैं अवश्य करूंगा कि मेरा स्वार्थ लक्ष्मी नारायण के दर्शन करना है, शेष अभिप्राय जग कल्याण के लिए होता है। यदि दर्शन की ही बात करते हो तो ये बताओ नारद कि कब आए थे यहाँ दर्शन करने? अब क्या कहूँ माता, जो कहूंगा वो आप स्वीकार नहीं करेंगी। स्वीकार करना ना करना अलग विषय है, तुम कहो तो। सत्य तो ये है माता, जब भी मुझे आप दोनों के दर्शन करने की उत्कट इच्छा जागृत होती है और यदि यहाँ आने में कोई विवशता हो तो मैं अपनी आंखें मूंद कर अपने हृदय के भीतर झांक लेता हूँ और बस आप दोनों के दर्शन हो जाते हैं। नारद, दूर रहकर हृदय दर्शन और यहाँ आकर प्रकट दर्शन में अंतर क्या है? विशेष नहीं, केवल इतना, यहाँ आने पर कुछ सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, जो जन कल्याण के लिए उपयोगी होती है, और मौन दर्शन से मन की शांति प्राप्त हो जाती है। वैसे तो पल प्रतिपल आपका स्मरण करता हुआ अंतर की आंखों से आप दोनों के दर्शन मैं करता ही रहता हूँ। तो नारद, अब अपने हृदय में नारायण के दर्शन करके ये बताओ कि इस समय वे कहाँ हैं? वे तो यहाँ से अचानक ही अदृश्य हो गए, मैं कब से उनकी यहाँ प्रतीक्षा कर रही हूँ। माता, उनकी स्थिति तो वे स्वयं ही जान सकते हैं, अन्य कोई कैसे जान सकता है? अर्थात तुम भी नहीं बता सकते कि इस समय वे कहाँ हैं? नहीं, सत्य तो ये है माता कि मैं भी यहाँ श्रीहरि विष्णु के दर्शन करने ही आया था। यदि मुझे ये ज्ञात होता कि वे यहाँ है ही नहीं तो तुम यहाँ कदापि नहीं आते, अर्थात तुम स्वार्थी हो नारद। हाँ माता, हाँ, माता पिता के सम्मुख हर बालक स्वार्थी ही होता है, परंतु ये स्वार्थ सात्विक होता है, तामसिक नहीं। प्रश्न तो अब भी वही है नारद कि तुम्हारे नारायण और मेरे स्वामी इस समय कहाँ हैं? माता, मैं केवल अनुमान लगा सकता हूँ कि वे इस समय कहाँ होंगे। कहाँ होंगे नारद? माता, आप तो जानती ही हैं कि परमपिता ब्रह्मा जी का एक पल एक सहस्त्र वर्ष का होता है और बहुत समय से श्रीहरि विष्णु लोक में विराजमान नहीं है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि श्रीहरि विष्णु परमपिता ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ के साथ ब्रह्म लोक में मंत्रणा कर रहे होंगे। मंत्रणा कर रहे होंगे? किस विषय पर मंत्रणा कर रहे होंगे? नारायण नारायण, वे तीनों तो जगत के नियंता हैं, वे किस विषय पर मंत्रणा कर रहे होंगे इसका तो अनुमान लगाना भी अत्यंत कठिन है।
परंतु हाँ, मेरा मन ये कहता है कि श्री हरि विष्णु शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे? हाँ माता, क्योंकि वे अवश्य जान ही गए होंगे कि उनका एक परम भक्त उनके दर्शन पाने के लिए अत्यंत व्यग्र है। माता, वे किसी भी क्षण यहाँ प्रकट हो सकते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम महाप्रभु। आप मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे स्वामी? इस बात को तो युगों बीत गए हैं देवी, हम ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर गए थे अपने अंशावतार अत्रि अनुसुईया पुत्र दत्तात्रेय की झलक पाने के लिए। दत्तात्रेय पृथ्वी लोक में धर्म एवं सन्मार्ग की अलख जगा रहे हैं, हम वहीं से चले आ रहे हैं। प्रभु, आप तो जाकर आ भी गए किंतु मैं आकर अभी तक गया भी नहीं, ठहरा रहा आपके दर्शन के लिए। ठहरने का कोई विशेष प्रयोजन और कारण तो होगा ही ना रथ? कारण तो है ही प्रभु, मैं अत्रि अनसुया के उस रुद्रावतारी पुत्र महर्षि दुर्वासा के उस श्राप के विषय में जानना चाहता हूँ जो इंद्र के षड्यंत्र से क्रोधित होकर उन्होंने मेनका को दिया था। उस श्राप का क्या परिणाम हुआ, इसे तुम अनभिज्ञ नहीं हो नारद? स्वर्ग निवासिनी मेनका को विश्वामित्र के मोहपाश में फंसकर पृथ्वीलोक की साधारण नारी के समान उनसे गंधर्व विवाह करना पड़ा। इस विवाह ने एक कन्या को जन्म दिया जिसे मेनका निर्ममता पूर्वक छोड़कर स्वर्ग चली गई। स्वर्ग चली गई? तो फिर उस कन्या का क्या हुआ प्रभु? उस कन्या का लालन पालन कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ। आप शकुंतला के विषय में ही कह रहे ना प्रभु? हाँ देवी, ये सब तो तुम्हें ज्ञात ही होगा नारद। श्री हरि, मुझे इन सब बातों का ज्ञान नहीं है, इन सभी घटनाओं से मैं तो सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। यदि तुम अनभिज्ञ हो तो हम तुम्हें एक संकेत देते हैं। कहे प्रभु, क्या संकेत है? रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा का शीघ्र ही इस घटना चक्र में प्रवेश होगा और आगे के परिदृश्य की परिकल्पना तुम स्वयं कर लो नारद। शकुंतला, क्या है? जो होना चाहिए वही नहीं हुआ। प्रियंवदा, कभी तो सीधी बोली भी बोला कर। वही सुनना तुम्हारे मन को भाता है तो सुनो। इस पृथ्वी लोक पर तुम्हारे मन को भाता या तुम्हारे लिए कोई सुयोग्य वर मिलना अत्यंत कठिन है। प्रियंवदा, मैंने तुझसे कब कहा कि मेरे लिए सुयोग्य वर की खोज कर? तुम क्यों कहोगी, और कहोगी तो क्या अपने श्री मुख से कहोगी? हाव भाव से ही कहोगी ना, और कहोगी क्या? तुम तो कह ही रही हो। चल हट, निर्लज कहेगी। अरे ओ हाय रे मेरी लाज बनती, लजाती रहो, पर अपने मन के भाव अपने सखी से कहने में संकोच न करो। प्रियंवदा, ये आज तुझे क्या हुआ? मुझे क्या होगा? होगा तो तुझे प्रेम अथवा विवाह अथवा दोनों। देखो ना शकुन, स्वर्ग की परम सुंदरी व श्रेष्ठ अप्सरा मेनका व श्रेष्ठ तपस्वी विश्वामित्र की अनुपम और सुंदर कन्या के